हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि नॉनस्टिक बर्तन हमने मंगाया है तो उसका अनबॉक्सिंग हम करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स प्रेस्टीज ओमेगा नॉनस्टिक कुक वेयर सेट का। इसे हमने ऑनलाइन मंगाया था फ्रेंड्स। इसे हालांकि हमने पहले ही अनबॉक्सिंग करके चेक कर लिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करूं। तो ये देखिए हमारे बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। ये हमारा लीड हो गया, कढ़ाई का ढक्कन, ये फुली ग्लास का है, इसे हम प्लास्टिक से निकाल लेते हैं। तो इसका ये हैंडल सेट है और ये वारंटी कार्ड और ये हमारा बिन है। तो इस कॉम्बो पैक में हमें तीन बर्तन मिलता है फ्रेंड्स। मैंने इसे चेक किया तो इसका बिल्ड क्वालिटी उस पर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। ये बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इसका जो मेटल का बनावट है इसका बहुत ही अच्छा है और फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा टोटल हैंडल सेट है। ये देखिए इसका हैंडल बहुत ही अच्छा प्रेस्टीज का होता है फ्रेंड्स। ये इस बटन के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, इसे पुश करके लगाना होता है इसमें। और इसका हैंडल का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा और ग्रिप इसका रबर ग्रिप है, तो ये हाथों में बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाता है और स्लिप करने का चांसेस बहुत ही कम है। तो फ्राई पैन और तवा का दोनों का हैंडल एक ही है, एक ही साइज़ का, बहुत ही अच्छा। ये हमारा कढ़ाई का हैंडल है, दो हैंडल है इसमें। हैंडल का भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और हैंडल में लगाने वाला ये स्टील रिंग, जो कि देखने में भी इसका खूबसूरती अच्छा लगता है। और ये दो स्क्रू नट और दो वाशर हैं, एक वाशर शायद कार्टून में ही है रह गया है। तो हम ये फ्राई पैन को हमने उठाया है, तो ये देखिए इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा। और इसके पीछे जो है प्रेस्टीज का ब्रांडिंग है, ये देखिए प्रेस्टीज का ब्रांडिंग है। और इस फ्राई पैन का जो डायमीटर है वो लगभग 9 इंच के आसपास है और इसकी जो गहराई है वो 2 इंच के आसपास है, 2.25 इंच के आसपास। और ये हैंडल क्लिप भी इसका बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल प्योर स्टील का है। और ये कढ़ाई सेट है, तो इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे भी प्रेस्टीज का ब्रांडिंग है। और ये इसका हैंडल क्लिप है। डायमीटर सारे बर्तन का लगभग सेम ही है, 8.5 से 9 इंच के अप्रॉक्स में। और ये तवा के पीछे भी प्रेस्टीज का ब्रांडिंग और इसका भी ये
हैंडल क्लिप बिल्कुल प्योर स्टील का है और ये कढ़ाई का लीड है, ढक्कन कढ़ाई का जो कि फुली ग्लास का है और इसके बीच में एक हॉल है ताकि गैस निकल सके। और इसका जो क्लिप है पकड़ने का वो भी इस फिनिशिंग बहुत अच्छा है और रबर ग्रिप वाला है। और इस जो कवर है ग्लास का वो तो कढ़ाई में फिट बैठता ही है, बाकी तीनों बर्तन में लगभग एडजस्ट हो जाता है कवर अच्छे से। ये देखिए फ्राई पैन में भी ठीक ठाक हो गया है। और ये हमारा जो तवा है तवा में भी लगभग ठीक ठाक कवर हो जाता है, आप कवर इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें कवर होता है इसका कढ़ाई। आप चाहे तो इस लीड से इस ढक्कन से तीनों बर्तन को एक साथ बारी बारी से करके कवर कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई के हैंडल को इंस्टॉल कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी क्योंकि दो नट बोल्ट को कसना है। तो ये जो स्टील का जो रिंग है हैंडल के बीच में घुसा के इस प्रकार से हम लगाएंगे। इस प्रकार से फिट करके हम स्क्रू की मदद से स्क्रू ड्राइवर से इसे अच्छे से कस देंगे, बिल्कुल टाइट कसेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो ये देखिए हमारा एक तरफ का हैंडल सेट हो चुका है। अब हम दूसरे साइड का हैंडल इसे सेट करेंगे इसी प्रकार से। तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का ननस्टिक कढ़ाई बन के तैयार हो गया है और हैंडल में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इस कढ़ाई में 5 से 6 लोगों का सब्जी बना सकते हैं एक साथ। और ये फ्राई पैन है, फ्राई पैन का हैंडल लगाना बहुत ही ईजी है। बस इस लाल बटन को प्रेस करने के बाद इसमें इंस्टॉल कर लेंगे कि इसके बीच में स्प्रिंग होता है और इस लाल बटन को प्रेस करके हम फ्राई पैन के हैंडल क्लिप में लगाएंगे। बस उसके बाद क्लिप को जो स्विच है हमारा इसको छोड़ देंगे तो ये एडजस्ट हो गया। फिर पुश करके इसे हम निकाल लेंगे, फिर पुश करके इंटर कर लेंगे इसमें। और निकालना हो तो केवल लाल बटन को पुश करके बाहर निकाल सकते हैं हम। बहुत ही इजी है इसका हैंडल इंस्टॉलेशन। इतना अच्छा हैंडल इंस्टॉलेशन हमने किसी ननस्टिक बर्तन का नहीं देखा है। तो हमारा ये सारा बर्तन इंस्टॉल हो चुका है हैंडल उसका। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 2995, लेकिन हमने 1399 में इसे परचेज़ किया है। इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन में। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। जय जय भारत।